सो गाइस दिस इज कमिल एंड यू आर वाचिंग के प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल। सो गाइस आज के इस वीडियो पर मैं आपको दिखाया है लाइट मोशन के अंदर वीडियो एडिटिंग कैसे कर सकते हो, उसमें कैसे आप इफेक्ट वगैरह डाल सकते हो अपनी वीडियो पर, शेडो इफेक्ट, इसके अलावा स्ट्रोक इफेक्ट, तो इन सब चीज़ आप कैसे कर सकते हो इस वीडियो पर दिखाए है। वीडियो को जरूर से अंत तक देखना और सीधा चलते हम अपनी वीडियो की तरफ। ओके गाइस तो आप देख सकते हो मैं आ चुका हूँ लाइट मोशन वीडियो एडिटिंग ऐप में। तो लाइट मोशन पर आने के बाद सबसे पहले हमें प्लस आइकन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आप कोई भी एस्पेक्ट रेशियो चूज कर लेना अपनी वीडियो के हिसाब से। तो यहाँ से मैं 16:9 को चूज़ कर रहा हूँ और रेजोल्यूशन में यहाँ से 1080p चूज़ कर रहा हूँ, तो मैंने 1080p चूज़ कर लिया। उसके बाद हमें क्रिएट प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करना है एंड देन आपको सिंपली प्लस आइकन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से इमेज एंड वीडियो के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आप सिंपली व्यू वॉल के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप एक वीडियो ऐड कर लेंगे। सबसे पहले अपना वीडियो ऐड करेंगे, तो यहाँ से मैं अपना एक वीडियो ऐड कर लेता हूँ। सो मैं देख लेता हूँ मुझे कौन सा वीडियो ऐड करना चाहिए लाइक कि यहाँ से। तो यहाँ से मैं इस वीडियो को सिलेक्ट कर लेता हूँ जो कि ये रहा। वीडियो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद प्लस आइकन के ऊपर क्लिक करना है तो आपका वीडियो आ जाएगा लाइट मोशन वीडियो एडिटिंग ऐप में। यहाँ से प्ले करके देख सकते हो वीडियो को। उसके बाद आपको क्या करना है, इस वीडियो के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको इफेक्ट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है एंड देन यहाँ से ऐड इफेक्ट के ऊपर आपको क्लिक करना है और उसके बाद आपको यहाँ पर एक इफेक्ट मिलेगा जिसका नाम होगा गौशन ब्लर। आपको यहाँ पर मिल जाएगा, तो ये ब्लर के ऊपर आपको क्लिक करना है और ये मिलता है गौशन ब्लर, इसके ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद आपको यहाँ पर स्टैंडर्ड सेटिंग के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा गौशन ब्लर इफेक्ट। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपनी वीडियो के ऊपर क्लिक करना है और इसको थोड़ा जूम कर लेना है इस तरीके से। थोड़ा सा जूम कीजिएगा, ठीक है, ज़्यादा नहीं। और उसके बाद आप यहाँ से गौशन ब्लर का जो अमाउंट है उसे इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो अपने हिसाब से। तो मैं इसका अमाउंट इतना रखूँगा। आप देख सकते हो यहाँ पर इसका अमाउंट दिखाई दे रहा है। उसके बाद यहाँ से हमें आ जाना है बैक, ठीक है। उसके बाद आपको ये जो खाली जगह दिखाई दे रहा है यहाँ पर क्लिक करना है। अगेन आपको प्लस आइकन के ऊपर क्लिक करना है, इमेज एंड वीडियो के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से व्यू वॉल के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आप यहाँ से अपना वीडियो ऐड करेंगे। दोबारा आपको वही सेम वीडियो को ऐड कर लेना है, तो यहाँ से हम दोबारा सेम वीडियो को ऐड कर लेते हैं जो कि ये रहा। अगेन प्लस आइकन के ऊपर क्लिक, तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा सेम वीडियो दोबारा आ चुका है। अभी आपको इस वीडियो के ऊपर क्लिक करना है। ऊपर में जो वीडियो इसके ऊपर क्लिक करना है और इसको इस तरीके से छोटा कर लेना है और इसको बिल्कुल मिडिल पर रख लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा बॉर्डर एंड शेडो, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको सबसे पहले जो स्ट्रोक का ऑप्शन मिलता है इसको इनेबल करना है। इनेबल करने के बाद आप यहाँ से स्ट्रोक के ऊपर क्लिक करेंगे यानी कि कलर के ऊपर और यहाँ से व्हाइट कलर को आपको चूज करना है। उसके बाद आपको यहाँ से आ जाना है बैक एंड स्ट्रोक का जो अमाउंट है उसको आपको इंक्रीज कर लेना है। अराउंड में इतना कर लेता हूँ लाइक 12.0। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे ये जो ऑप्शन मिलता है इसका नाम है शेडो। आपको शेडो के ऊपर क्लिक करना है। शेडो के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ से शेडो का कलर सबसे पहले सिलेक्ट कर लेंगे लाइक डार्क कलर या ब्लैक को चूज कर लेना। उसके बाद शेडो को आपको इनेबल कर लेना है यहाँ से। शेडो को इनेबल करने के बाद आपकी वीडियो के बीच एक शेडो आ जाएगा। आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का। आप इसे अपनी उंगली से इस तरीके से मैन्युअली प्लेस कर सकते हो और अगर आप इस तरीके से नहीं करना चाहते हो तो आप यहाँ से इसका साइज इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। आप देख सकते हो, तो इस तरीके से आप कर लेना। उसके बाद मिलता है अल्फा ओपासिटी, आप यहाँ से कम या ज्यादा कर सकते हो। देन मिलता है पोजीशन, यहाँ से आप इसका पोजीशन चेंज कर सकते हो लाइक शेडो को आप कौन से डायरेक्शन में रखना चाहते हो। मैं कुछ इस तरीके से रखना चाहता हूँ। आप देख सकते हो हमारी वीडियो पर यहाँ पर काफी अच्छा इफेक्ट आ चुका है और काफी अच्छा एक लुक भी आ चुका है। जैसे कि आप देख सकते हो वीडियो पर हमने स्ट्रोक इफेक्ट अप्लाई किया और वीडियो पर आप जो है हमने शेडो इफेक्ट भी अप्लाई कर लिया। अभी आप यहाँ से प्ले करके देख सकते हो। ये आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से आप काफी अमेजिंग एक इफेक्ट क्रिएट कर सकते हो लाइट मोशन के अंदर और आप अपनी वीडियो को छोटा कर सकते हो लाइक इस तरीके से और इसे आप बड़ा भी कर सकते हो, ठीक है, अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हो। तो काफ़ी सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि शेडो इफेक्ट और स्ट्रोक इफेक्ट वीडियो पर कैसे ऐड किया जाता है। बेसिकली ये चीज़ आप लाइट मोशन के अंदर काफ़ी इजीली कर सकते हो, लेकिन बाकी जो एंड्रॉयड की वीडियो एडिटिंग ऐप है उनके अंदर आपको इस तरह के फीचर्स काफ़ी कम मिलता है, ठीक है। तो लाइट मोशन आपको ये चीज़ प्रोवाइड करता है। यहाँ पर आपको मिल जाता है बॉर्डर एंड शेडो और यहाँ पर आपको और भी इफेक्ट मिलता है लाइक आप देख सकते हो यहाँ पर इफेक्ट के ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ढेर सारा इफेक्ट मिलेगा। आप
यहाँ से इफेक्ट अप्लाई कर सकते हो अपनी वीडियो पर। और मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ। सो यहाँ पर आपको अपनी वीडियो के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको नीचे का जो वीडियो उसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर मिलता है मूव एंड ट्रांसफॉर्म, इसके ऊपर क्लिक करके आप अपनी वीडियो को रोटेट वगैरह कर सकते हो। सो ये मिलता है रोटेट का ऑप्शन, आप किसी भी एंगल में रोटेट कर सकते हो। और यहाँ पर आपको टाइमलाइन दिखाई दे रहा है, सो आप देख सकते हो टाइमलाइन पर आपको अपना सारा लेयर वगैरह म्यूजिक वगैरह देखने के लिए मिलेगा। और अगर आप म्यूजिक ऐड करना चाहते हो तो प्लस के ऊपर क्लिक करके ऐड कर सकते हो यहाँ से, और व्यू ऑल के ऊपर क्लिक करके आप डायरेक्टली यहाँ से भी ऐड कर सकते हो। तो आप देख सकते हो म्यूजिक आ चुका है, यहाँ से आप म्यूजिक का वॉल्यूम कम या ज़्यादा कर सकते हो, तो कुछ इस तरीके से। सो अभी इस वीडियो को आप कैसे सेव कर सकते हो, इसके लिए आपको जो आइकन मिलता है इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ से आप रेजोल्यूशन वगैरह देख सकते हो, क्वालिटी, फ्रेम रेट वगैरह। देन आप सिंपली एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका वीडियो एक्सपोर्ट हो जाएगा कुछ इस तरीके से। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो।